हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस होगा। और इसके बाद डिस्कशन होगा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, इनके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो इन सभी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम से रिलेटेड एक आध कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो इन सभी चीजों को इस टॉपिक में देखना है, तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, व्हाट इज सॉल्ट? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में जो अराइव होता है, व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट, सॉल्ट वो सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो और इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है जो कि होता है सॉल्ट, और साथ में वाटर बनता है। तो ये इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, ओके? अब एसिड और बेस, इसके बारे में ही ये टॉपिक आप लोग शुरू से जान रहे हो, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दस वी कैन राइट द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वन इज एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिएक्ट्स विद NaOH। ये NaOH एक बेस से रिएक्ट करता है, तो आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस वन इज वाटर एंड दिस वन इज सॉल्ट, नेम कॉमन सॉल्ट। तो हम लोग यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट वैसा सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है। ये सॉल्ट यहां पर जो बना है वो एक एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बना है। तो ये पूरा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है वो सॉल्ट होता है, तो ये कॉमन सॉल्ट है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। सॉल्ट जब भी बनेगा तो दो तरह के रेडिकल्स से बनेगा। फर्स्ट पॉजिटिव रेडिकल, एंड सेकेंड इज नेगेटिव रेडिकल। तो इन दोनों चीजों से सॉल्ट बनता है। तो अब पॉजिटिव रेडिकल कहां से आएगा, नेगेटिव रेडिकल कहां से आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली जब हम लोग एसिड और बेस से ही ये आता है, तो एसिड को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस आता है, और जब बेस को ब्रेक करते हैं तो Na प्लस और OH माइनस आयन आता है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि, और जब NaCl बन रहा है, NaCl यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस में ये ब्रेक होगा। तो आप देख रहे हो यहां पे Na प्लस है जो कि बेस से आया हुआ है, ओके? और एक ऐसा है जो कि एसिड से आया हुआ है। यहां पर Cl जो है वो एसिड का है, जबकि Na जो है वो बेस का है। तो
इसमें से एक पॉजिटिव रेडिकल जो होता है वो बेसिक होता है, बेस से आया होता है, बेसिक रेडिकल मींस पॉजिटिव रेडिकल, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव रेडिकल जो कि आता है आपके एसिड से, तो वो एसिडिक रेडिकल भी कहलाता है, एसिडिक रेडिकल। तो सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम टू रेडिकल, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव व्हिच इज आल्सो नोन एज एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। ओके, तो ये सॉल्ट बन रहा है। तो सॉल्ट कितने तरह का होता है, तो सॉल्ट कितने तरह का होता है इस चीज को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्ट कितने तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट। वैसे एक्चुअली हम लोग और भी सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, बट जनरली अभी जो आपको पढ़ना है वो तीन तरह के बारे में पढ़ना है, एक एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड वन इज बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड वन इज नॉर्मल सॉल्ट। इस तीनों के अलावा और भी सॉल्ट होता है जैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, इन सब के बारे में आप लोग को डिस्कशन होगा, बट इन सभी के टॉपिक के बाद। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। ये तीन तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिडिक सॉल्ट से कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। दो टाइप ऑफ सॉल्ट, वैसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने पहले ही बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड कहलाता है जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है अगर वाटर में घुलाया जाए तो, जैसे HCl अगर आप वाटर में घुलोगे तो H+ और Cl- कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी H+ आयन नहीं रहता है, तो ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर बात करें CH3COOH की, तो ये अगर होगा तो ये माइनस और ये H+, तो यहाँ पे H+ ये पार्शियली डिसॉल्व हुआ है, नॉट कंप्लीटली। हियर H dissolve completely, but in this case as dissolve partially. तो जहां पे partially dissolve होता है वो weak acid होता है, जहां पे completely dissolve होता है वो strong acid होता है, वो strong के साथ साथ और भी बहुत सारे discussion हम लोगों ने बताया था, मैंने conic acid बताया था, dilute acid बताया था। इसके अलावा हम लोग और भी बात करते हैं वीक एसिड और वीक के बेस के बारे में। तो जैसे ही एसिड में H+ आयन था, उसी तरह बेस में OH- के लिए था, ये Na+ और OH- आयन करेगा, दिस डिसॉल्व कंप्लीटली, हेंस इट इज अ स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, बट इन सम कंडीशन CaOH होल्ड टू। अगर इसको आप करवाओगे तो CaO plus H2O, तो ऐसा करके ब्रेक होगा, तो ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, इट डिसॉल्व पार्शियली, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक बेस। तो इस तरह करके हम लोगों ने सीखा था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। यहाँ जो एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला है। तो दोस टाइप ऑफ सॉल्ट, which are salts which are obtained after the neutralization of a strong acid and weak base, okay?
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। सपोज करो हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। जब ये दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है NH4Cl एंड H2O। तो ये NH4Cl जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। वो कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी कैटेगरी का सॉल्ट भी बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनता है, तो यहां पे ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट उसी ही टाइप का बनेगा। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्ट भी बनाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है? चलिए, ये था एसिडिक सॉल्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि यहां पर बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। चलिए, इससे रिजल्ट जो आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। नाउ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या है? दोस टाइप ऑफ सॉल्ट व्हिच आर ऑब्टेंड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। Those type of salts which are obtained after the neutralization of strong base and weak acid. चलो इसको example के थ्रू समझते हैं। example में strong base होगा तो NaOH, ये strong base है, और weak कोई ये ले लेते हैं, ये weak acid है, ये strong base and this one is weak acid. तो इसके आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स CH3CONa प्लस H2O, दिस वन इज बेसिक सॉल्ट। यहां पे जो ये सॉल्ट बनेगा वो उसका टाइप बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स तो हर जगह बनता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहां पर देखो कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बना है, इसके पहले में स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक सॉल्ट बन रहा था। अब डिस्कशन होगा नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या है? ये सिंपल सा चीज हम लोग जो समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एक जगह पर स्ट्रॉन्ग है दूसरी जगह पर वीक है। एसिड में भी उसी तरह था, एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड था वीक बेस था। अब दोनों अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए या दोनों वीक आ जाए तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। तो इसके बारे में नॉर्मल सॉल्ट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं Thank you.
डेफिनेशन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा कि दोस टाइप ऑफ सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेंड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, या वीक एसिड वीक बेस को मिलाओगे तो भी नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो देखो एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करके NaCl बनाएगा, ये नॉर्मल सॉल्ट है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेगा। और दूसरी जगह पे देखोगे जब वीक लेते हैं तो वीक बेस लो, ये है वीक बेस और साथ में बनेगा CH3COOH, ये है वीक एसिड। तो पता चलेगा इस दोनों के न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनता है CH3COOH4, अमोनियम एसिटेट बोलते हैं इसको, और बनता है वाटर, ये नॉर्मल सॉल्ट है। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया कि सॉल्ट कितने तरह का होता है और सॉल्ट किसको बोलते हैं। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा कि इस सॉल्ट का अगर सॉल्यूशन है, इन सभी सॉल्टों का सॉल्यूशन बनता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, है ना। हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट पढ़ लिया, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट भी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। पीएच ऑफ सॉल्ट्स तो पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। एसिडिक सॉल्ट जो होगा, जैसे एसिड में पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, उसी तरह एसिडिक सॉल्ट का भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। द पीएच वैल्यू ऑफ नॉर्मल सॉल्ट इज 7। नॉर्मल सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होता है, और रहा बात बेसिक सॉल्ट का, तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। तो द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्ट इज मोर देन 7, ये मोर देन 7 होता है। तो ये पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कशन था, जिसको हम लोग समझ गए कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू कैसा हो सकता है। अब जो होगा वो डिस्कशन होगा एक बहुत ही अच्छे सॉल्ट के बारे में, जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट कैसे बनाते हैं, कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का अब नया टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl एंड मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर फिफ्टी एट पॉइंट फाइव।
ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कैसे निकालते हैं, ये सिंपल सा चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। Na का एक मॉलिक्यूल है तो 1 into Na का वेट होगा 23, प्लस Cl का भी एक मॉलिक्यूल है, Cl का वेट होता है 35.5, ये 23 प्लस 35.5 ये हो जाएगा 58.5, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा रहा है। तो NaCl कैसा सॉल्ट है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, इसका pH वैल्यू 7 होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये कहां से बनता है, तो इसको आप हम लैंग्वेज में करेंगे। लैंग्वेज में इसलिए करेंगे क्योंकि ये ज्यादातर 95% तक जो सॉल्ट होता है, ये कॉमन सॉल्ट, ये समुद्री जल मतलब कि सी वाटर से निकाला जाता है। सी वाटर से इवेपोरेशन के थ्रू इसको निकाला जाता है। सपोज करो कि कहीं पर ये सी है और सी के नजदीक जो उसका बीच होता है वहां पर क्या करते हैं, छोटा छोटा स्मॉल गड्ढा जिसको बोल सकते हो ये होता है, और सी से जो वेव्स आते हैं ना तो इसमें पानी को पार कर देते हैं, भर देते हैं, इससे पानी भर जाता है। तो इसके बाद इसके लहर को, इसके जो वेव्स को रोक दिया जाता है, ठीक है। अब सनलाइट जब पड़ता है इन सभी वाटर पर, तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो इसमें जो घुला NaCl है या और भी सॉल्ट है वो यहाँ नीचे में क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है। वो क्रिस्टल हम लोग कलेक्ट करते हैं और वो क्रिस्टल कलेक्ट करके हम लोग प्यूरिफाई करने भेजते हैं, और प्यूरिफिकेशन के बाद NaCl बनता है। अब उस NaCl में पोटेशियम आयोडाइड, NaCl में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। अब ये क्यों मिलाया जाता है ये भी जानने बात है। आप लोग को पता होगा आपके घर में जो सॉल्ट होता है आयोडाइज्ड होता है। रीजन ये है क्योंकि हम लोग के शरीर में आयोडीन का कमी ना हो, इसके वजह से सॉल्ट में आयोडीन मिला दिया जाता है, जो कि पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में होता है। उसको जब मिलाया जाता है तो आयोडीन हम लोग के बॉडी के अंदर आ जाता है। आयोडीन के कमी से ग्वाइटर जैसा रोग हो जाता है, ग्वाइटर जैसा डिजीज होता है जिससे गला वगैरह यहाँ पे फूल जाएगा, तो ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसा कॉमन चीज ढूंढा गया जिसमें कि आराम से लोग इसका सेवन कर सकें, लोग इसको खा सकें। तो इस सबसे कॉमन चीज जो दिखा वो है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट में पहले ऐसा नहीं होता था कि आयोडीन मिला के भेजा जाता था, ये है कि कॉमन सॉल्ट में आयोडीन को मिक्स कर दिया जाता है और वो आयोडाइज्ड नमक हम लोग तक आता है और वही नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है। ऐसे इसका दूसरा तरीका लेबोरेटरी में जो होगा वो कैसे बनाते हैं, अगर सोडियम है तो उसका रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवा दें तो भी NaCl बनता है, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है कि सोडियम जो है वो फ्री स्टेट में मिलेगा या क्लोरीन फ्री स्टेट में मिलेगा। एक्चुअली सोडियम एंड क्लोरीन बोथ ऑफ द एलिमेंट इज मोर और Actually, sodium and chlorine, both of the element are highly reactive. ये highly reactive है, तो ये जल्दी single state में, free state में होता नहीं है। तो इसको Na को लाने के लिए हम लोग को Na प्योर Na लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होता है और Cl को भी निकालने के लिए, और फिर NaCl, ये लेबोरेटरी मैटर है, इसको लेबोरेटरी में। लेकिन हम लोग जो NaCl जो घर में आता है वो 95% तक सी वाटर से बनाया जाता है। इसके अलावा NaCl के अलावा एक और सॉल्ट है जिसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। वो ब्लैक सॉल्ट आपको पत्थर से बनता है, मतलब कि रॉक से बनता है। रॉक पर जब एसिडिक इस रेन होता है तो वो रॉक बेसिक होता है, बेसिक रॉक और एसिड रेन के वजह से जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक सॉल्ट बनता है। तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सॉल्ट का बहुत सारा यूज़ है, हम लोग को खाना बनाने में यूज़ है, बहुत जगह ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है,
NaCl का बहुत जगह लेबोरेटरी में भी यूज है, तो इसके लॉट्स ऑफ यूजेस भी हैं NaCl के, और हम लोग के डेली लाइफ में NaCl कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आप जानते ही हैं। तो कुल मिला के ये है कि NaCl हम लोग के लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जो कि हम लोग को डेली लाइफ में जरूरत भी होता है। तो ये है NaCl। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।